हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS PCS एकेडमी। दोस्तों, ये हमारा SSC CHSL और SSC GD का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। दोनों में GS एक जैसे थी, किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में GS एक जैसी ही आती है, चाहे वो CGL वाला हो, चाहे वो CHSL वाला हो, या MTS वाला हो, या GD वाला, सब में GS एक जैसी है कि कुछ भी फ़र्क नहीं होता, अब सब क्वेश्चन एक जैसे आते हैं। तो अब इन्हें कोई भी देखकर पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन ना ही GD वाले, GD वालों में 20 आते हैं और CHSL वालों में 25 आते हैं। मैंने दोनों को ज़्यादा ही दोनों से कर रखे, मैंने 30 दे रखे। ठीक है, आप बताइए कि इससे ज़्यादा कर देंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, GS के प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बताइए कैसा लग रहा है आपको, और आप हमें कमेंट में बताइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट करिए, जिससे हम मोटिवेटेड रहें और डेली आपके लिए वीडियो लाएँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत। मौन से महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, अल्फ्रेड वॉरविक ने दी थी, अल्फ्रेड हैंक्स ने दी थी, या फिर अल्फ्रेड मेन ने दी थी? किसने दी थी आप बताइए, लग रही इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय बहाव किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। और कब दी थी, डेट लिख दीजिए, 1912 में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, कैनबरा है, ओस्लो है, या फिर ओटावा है? कौन सी है? ओटावा है। ठीक है, ये तो आसान है। कैनबरा कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। वेलिंगटन कहाँ की? न्यूजीलैंड की है। और ओस्लो कहाँ की है? नॉर्वे की है। ठीक है, यहाँ को कैपिटल एपिटल अच्छे से लिए जरूर आती है, यूरोप की और वेस्टर्न कंट्रीज के बहुत होते हैं। रेनिसान क्या ने रेनिसान रेनिसान मतलब क्या था? पुनर्जागरण, जो कहाँ यूरोप में हुआ था। तो वो कब से कब तक हुआ था पुनर्जागरण, ये पूछा गया, अवधि पूछी गई। तो कब हुआ था, 18 से 20वीं शताब्दी तक, या फिर 14 से 17वीं शताब्दी तक, या फिर 11 से 13वीं शताब्दी तक, या फिर 7 से 10वीं शताब्दी तक? कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 14 से 17वीं शताब्दी तक, याद रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, औरंगजेब 1658-1707 ईस्वी में किस वंश का शासक था? ये आंसर तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप डायरेक्ट कर देंगे, किसका? मुगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? कौन से लेंस है? कॉन्टैक्ट लेंस एनिको फर्मी ने किया, एनिको फर्मी, या फिर एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने किया, या फिर सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने किया, या फिर वेनोइट फॉर्नी रोन ने किया? किसने किया ये? एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक। ये भी पूछ सकते हैं ये किस कंट्री के, तो आप ये रखिएगा ये कि किस कंट्री के, ये है जर्मन, कहाँ के? जर्मनी के। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, मतलब किसके चारों ओर? रूपांतरण मतलब किस गति में, स्पिन में, कक्षीय में, कंपन में? आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है? परमाणु के चारों ऐसा ऐसा करके घूमता है, कक्षीय में। क्या जाएगा? कक्षीय, इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस में नापा जाता है? बैरोमीटर में, स्फिग्नोमैनोमीटर में, हाइड्रोमीटर में, थर्मामीटर में? किससे नापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे, अब देखिए लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता पूछो, प्रथम B.R. अम्बेडकर थे, A.K. गोपालन थे, S. राधाकृष्णन थे, वल्लभ भाई पटेल थे? कौन थे? इसके थे A.K. गोपालन। और ये कौन सी पार्टी थे? CPI। CPI कौन सी? कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये पार्टी हो सकते हैं इनकी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने एक एक परमाणु की संरचना की खोज? कौन सी? एक परमाणु, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डॉल्टन, ए लेवोजियर, या फिर मेंडलीफ? किसने की थी परमाणु की संरचना की खोज? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इन्हें नोबेल भी मिला था, इसीलिए कब मिला था ना, 1908 में, रसायन का। 1908 में किसका? रसायन का, याद रखिएगा, रसायन। नहीं सकते हैं, ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? महिला पूछेंगे, महिला, PT उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, PV सिंधु, या फिर सोमा विश्वास? आप लगाइए इसका आंसर। आपने लगा लिया, कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ये पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था भारोत्तोलन में, याद रखिएगा आप। इन्हें हाल ही में एक उपाधि मिली है,
शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी का किसी खेल यूनिवर्सिटी के नाम बनाया गया था, कुलपति बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कभी कौन थे? कौन से समुद्रगुप्त के? तो आपको ये पता होगा आसानी से, बाणा भट्ट थे या फिर हरिसेन या फिर चंद्रप्रदा या फिर भावभूति। भावभूति कौन थे? हरिसेन, याद रखिएगा हरिसेन। और इन्होंने क्या, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट देखते हैं, अभिलेख में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हैदराबाद में होता है, लाहौर में होता है, ढाका में, कलकत्ता में? कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है, 1906 में। कहाँ, किसके नेतृत्व में? सलीम उल्ला। याद रखिए, कुछ ही पूछ सकते हैं, मैं आपको जितनी डिटेल है मैं दे देता हूँ, आपको अच्छी है तो लिख लीजिए वरना कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सलीम उल्ला, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमा करने में चांद को लगने वाला समय लगभग कितना है? 26 दिन है, 24 दिन है, 28 दिन है, 30 दिन है? मतलब ये करा जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, कितने दिन में कर लेती है? 365 दिन में। वैसे चांद हमारी परिक्रमा कर लेता है, कितने दिन में कर लेता है ये पूछा गया, कितने दिन में? 28 दिन में ये लगभग कर लेता है, ठीक है, लगभग 27 दिन लगते हैं, जैसे 27 से 28 दिन लगते हैं। भारत में मानसून के लौटने का मौसम, मानसून के लौटने का मौसम यानी कि पतझड़ की अवधि क्या पूछी गई? कब पतझड़ होता है हमारे यहाँ? मार्च से मई में होता है, अक्टूबर से नवंबर में होता है, दिसंबर से फरवरी में होता है, जून सितंबर में होता है। कब होता है? आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ गर्मियाँ जाती हैं और जब सर्दियों की शुरुआत होने से पहले बीच में एक मौसम आता है जिस मौसम में खूब शादियाँ होती हैं, अक्टूबर से नवंबर, यह महीना पतझड़ का होता है, याद रखिएगा, नवंबर, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नहीं हो जाती हम लोगों को, उसका रीज़न क्या है? जल का कम सेवन करना, पीनियल ग्रंथि का अति श्रावण, एक्स गुणसूत्र द्वारा जनित आनुवंशिकता या फिर विटामिन ए की कमी? यह तो आपको बचपन से आपने खूब पढ़ा होगा इसे। क्या विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिक एसिड, आपको पता होगा C3CH होता है, C3COH होता है, CH3COCH3 होता है या फिर CH2COOH होता है? तो क्या होता है इसका आंसर? CH3COH, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसे इथोनोइक एसिड भी बोलते हैं, ये भी रख सकते, इथोनोइक, इथेनोइक, कुछ ही पूछ सकते, इथोनोइक एसिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। सोडियम टेट्रा बोरेट डेका हाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? एप्सम सॉल्ट, जिप्सम, मोरेक्स, गैलिना, क्या होता है इसका साधारण नाम? इसे कहते हैं बोरेक्स, देखिए बोरेक्स, और इसका फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए क्या होता है, Na2B4O7. जल के कितने अणु होते हैं? 10 होते हैं। ये पूछ लेते हैं सर कि बोरेक्स में जल के कितने अणु होते थे? 10 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ऐसा करके पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? ASP का मतलब पूछा गया, ASP सार सेवा प्रदाता, आवेदन सेवा प्रदाता, आवेदन संकेतक प्रदाता या सार सिंटैक्स प्रदाता? ASP मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इन हिंदी में रखा है इसीलिए इंग्लिश में देख लीजिएगा आप, एप्लीकेशन सर्विस और प्रोवाइडर ये होता है। अब ये आपको इंग्लिश जहाँ मिल जाए आप वहीं टिक मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जरूर आप देख लिया करिए एक बार। तो ये क्या होगा, वैसे हिंदी में देखा जाए तो क्या होगा, आवेदन सेवा प्रदाता, ठीक है, एप्लीकेशन से आवेदन, सर्विस से सेवा, और क्या, और क्या है, प्रोवाइडर उससे क्या होता है, प्रदाता, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, गिद्धा किस राज्य का लोग रहता है? कहाँ का गिद्धा? तो ये आपको पता होगा गिद्धा कहाँ का,
पंजाब राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का या बिहार का है? कहाँ का ये? पंजाब का। एक खास बात और है, जैसे कि ये महिलाएं करती हैं, महिलाओं का भांगड़ा बोल सकते हैं, जैसे महिलाओं का भांगड़ा, क्योंकि जो पुरुष करते हैं उसे भांगड़ा कहते हैं और जो महिलाएं करती हैं उसे गिद्धा कहते हैं, बस ये फर्क है इसमें। यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना से तेज है तो इससे परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति, अपस्फीति, बजट अधिशेष या बजट घाटा? क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं सकते हैं। शैवाल पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि शैवाल जो होते हैं हमारे इकोसिस्टम के किस स्तर में आता है? विघटन करने वाला, विनाशक, उत्पादक या फिर उपभोक्ता? क्या होता है शैवाल? शैवाल हमेशा उत्पादक होते हैं क्योंकि शैवाल भी ग्रीन होते हैं, ठीक है। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी और अपनी सीमा को साझा करता है? भारत का ये उद्यान है, भारत का, और ये बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, बाउंड्री शेयर करते हैं। सुंदरबन है, काजीरंगा है, कंचनजंगा है, पन्ना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बंगाल का एक ही दिख रहा है, बंगाल से बांग्लादेश टच है तो सुंदरबन। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर था? कौन सा? वरुण, वरुण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो वरुण अगर आपको नहीं समझा तो याद रखिए इसे नेपच्यून कहते हैं, नेपच्यून। हिंदी भी याद रखिए, इंग्लिश भी याद रखिए। नेपच्यून कौन से नंबर पर आता है? चौथा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, अकबर के शासनकाल में सेनापति कौन था, ये पूछा गया। सुल्तान अहमद फवाद, मोरी खोजा, मीर खास, मीर बख्शी होगा, बख्शी, बख्शी नहीं, तो कौन था? मीर बख्शी ऐसे लिखा जाएगा, बख्शी, यही था, ठीक है। नेक्स्ट, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीके से शुरुआत की? गुरिल्ला युद्ध मैंने नहीं, छुक्कर वार करते थे, बाबर, अकबर, शिवाजी, बाजीराव, पेशवा। आपको पता होगा बहुत अच्छे से, इसी से इन्होंने पेशवा साम्राज्य को बहुत आगे बढ़ाया था और मुगलों को नाक में दम कर दिया। कौन थे? शिवाजी महाराज। यूनिवर्सल मानक समय का आविष्कार किसने किया? गया यूनिवर्सल मानक समय, एनरिको फर्मी ने, एडोल्फ गेस्टन यूजेन फिक ने, सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने, बेनोइट फर्निसन ने। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, सब तरह के क्वेश्चन है, सब मिक्स सेट है, आप एग्जाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे, बहुत अच्छे से देंगे। आप यहाँ प्रैक्टिस कीजिए डेली। किसने किया था? ये कैनेडियन थे, कौन थे? सैनफोर्ड फ्लेमिंग, कैनेडा, कैनेडा के थे, कहाँ थे? कैनेडा के, ठीक है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कीजिए वीडियो को हमारे। ये कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है, कौन सा नियम है ये पूछा गया? लेंज का नियम है या फिर हुक का है, ओम का या फिर किरचॉफ का? किसका नियम होता है? ये किरचॉफ का होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है, तो ग्रह के त्रिज्या में घटने का कारण हो जाता है या फिर ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि के साथ हो जाता है, ग्रह की मात्रा में कमी, फिर ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि? तो किसकी वजह से होता है? ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि की वजह से ही त्वरण कम हो जाता है, याद रखिएगा। साधारण नमक का आणविक सूत्र पूछा गया, किसका? नॉर्मल सॉल्ट बने N2SO4 CaCl2 MgCl2 फिर NaCl, ये तो आप जानते हो अच्छी तरह से। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स बताएंगे, इसमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, धन्यवाद।